पैदल पैदल चित्रकूट से फिर चले माघ मेला, तो प्रयाग से बाहरी प्रयागदास एक नीम के वृक्ष के नीचे अपनी खाट बिछाई आराम से सो गए। किसी ने कहा कि बाबा मेले में चलो, का मेले में जाकर क्या करेंगे, नहीं नहीं मेले में संतों का दर्शन करना। प्रयागदास जी बोले मतवादी हैं वहां इकट्ठे जाके करें क्या मेलों में, और प्रयागदास श्री राम को लेकर पड़े रहेंगे ढेलों में। किसी ने कहा ढेलों में पड़े हो, ये ठाट वाट तो देखो, आप संत हो पलंग पर सो रहे हो और जूते और गद्दा और रजाई और तकिया और क्या क्या है। कहने लगे चुप रहो, हम संत नहीं हैं। अच्छा संत नहीं हो तो फिर क्या हो, तो कहने लगे नीम के नीचे खाट बिछी है और खाट के नीचे करवा, जल का पात्र मिट्टी का, नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, और प्रयागदास अलमस्ता सोवे राम लला को सरवा। हम राम जी के साले हैं, पूरब की बोली में साले को सार बोलते हैं। तो किसी ने कहा कि आपको और कोई रिश्ता नहीं मिला, राम जी के सखा हो जाते, सेवक हो जाते, दास हो जाते, आप तो राम जी के सार हो। प्रयागदास जी मुस्कुराकर बोले कि हम तो राम जी के सार हैं, पर राम जी तो पूरे संसार के सार हैं, है ना, पूरे संसार के सार हैं राम जी, या पूरे संसार में राम नाम एक सार, और हमारी संसार को करे हम सारहु के सार। श्री किशोरी जी की कृपा हो जाए तो राम जी अपना लेते हैं। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं सर्वश्रेयस करीम सीताम न तो हम राम वल्लभाम, राम वल्लभाम।